नमस्कार, मैं हूं प्रिया। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सभी मुख्य सरकारी परीक्षाओं के लिए पटना में बनेगा सबसे बड़ा एग्जाम हॉल। बिहार सरकार ने सरकारी परीक्षाओं को संपन्न करवाने हेतु बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बिहार बोर्ड यूपीएससी बीपीएससी बीएसएससी और टीईटी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए पटना में एक विशाल एग्जाम हॉल को खोलने का ऐलान किया है, जिसके तहत जल्द ही पटना में गांधी सेतु पुल के पास 25,000 की क्षमता का परीक्षा भवन बनेगा। मैट्रिक परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट की प्रक्रिया हुई शुरू। मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। परीक्षा के लिए छात्रों को और बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए बिहार बोर्ड ने मॉक टेस्ट का आयोजन किया था, जिसकी शुरुआत कल यानी कि गुरुवार से हो चुकी है। ज्ञात हो, आयोजित किए गए इस मॉक टेस्ट में हर दिन एक विषय का मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जिसके लिए सभी स्कूल अपने अनुसार एक समय निर्धारित करके इन सभी छात्रों को एग्जाम को शेड्यूल कर रहे हैं। बिहार की शिक्षिका रूबी के पढ़ाने के तरीके की हर जगह हो रही है सराहना। इन दिनों सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो तेजी से फैल रहा है, और यह वीडियो है बिहार के एक स्कूल की शिक्षिका रूबी कुमारी का, जो कि बड़े ही अनोखे अंदाज में छात्रों को नौ का पहाड़ा पढ़ा रही हैं। रूबी के कैलकुलेशन के इस नए अंदाज की हर कोई सराहना कर रहा है। यहां तक कि महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने रूबी के इस वीडियो को रीट्वीट किया है। इतना ही नहीं, शाहरुख खान ने भी रूबी के इस नए तरीके से मैथ सिखाने की भी सराहना की है। सीटीईटी परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस साल जुलाई महीने में होने वाली सीटीईटी की परीक्षा की तारीख की घोषणा की है, जिसके तहत सीटीईटी की यह परीक्षा 5 जुलाई को ली जाएगी। वहीं सीटीईटी की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी 24 जनवरी 2020 से विस्तृत सीटीईटी से जुड़ी सारी अधिसूचना सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट cet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि सीटीईटी के लिए आवेदन भरने की अंतिम तारीख 24 फरवरी है। बिहार की बेटी साध्वी पद्मावती गंगा अविरल की मांग को लेकर गंगा नदी को अविरल बनाने की पहल पर सरकार की सुस्ती को देखते हुए हरिद्वार में बैठी बिहार की बेटी साध्वी पद्मावती अभी तक अपनी मांग पर अड़ी है। अपनी मांग को लेकर साध्वी ने अब तक खाने का सेवन नहीं किया है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लिफाफे में अपना संदेश लिखकर जल संसाधन मंत्री संजय झा को और सांसद कौशलेंद्र प्रसाद को एक बंद लिफाफे में अपना संदेश लेकर हरिद्वार रवाना किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को भी एक चिट्ठी लिखकर गंगा नदी की निर्मलता के लिए उनके किए गए वादों को याद दिलाया है। कुसा बीजा में बनाई जा रही है अब तक की सबसे बड़ी नर्सरी। बिहार राज्य की सबसे बड़ी नर्सरी का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाएगा, जिसके तहत यह नर्सरी अब गया जिले के बाराचट्टी रेंज में बनाई जा रही है। डोभी प्रखंड के कुसा बीजा गांव में 20 हेक्टेयर की यह नर्सरी बनाई जा रही है, जिसके निर्माण के पश्चात अब अकेले इस नर्सरी में 40 लाख पौधों को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, बिहार के सबसे बड़े नर्सरी के निर्माण के लिए वन विभाग कुल मिलाकर 3.66 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सीबीएसई टॉपर प्रियांशु और अदिति देखेंगे गणतंत्र दिवस की परेड। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के परेड में इस साल बिहार सरकार ने बिहार के कोने कोने से लगभग 100 प्रभावशाली छात्रों को इस परेड में शामिल होने का न्योता भेजा है, जिसमें पटना के राजा बाजार के रहने वाले प्रियांशु का नाम शामिल है। वहीं महेश नगर की रहने वाली अदिति रंजन को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अदिति और प्रियांशु दोनों ही सीबीएसई के टॉपर रह चुके हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज। अति पिछड़े वर्ग को समाज में सम्मान और जगह दिलाने वाले कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है, जिसके लिए बिहार के सभी राजनीतिक दल अति पिछड़े वर्ग के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने की होड़ में जुट गए हैं, जिसके तहत आज बिहार में विभिन्न पार्टियों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जहां एक ओर जदयू यह जयंती श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपने प्रदेश मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। वहीं राजद पार्टी की बात करें तो राजद यह कार्यक्रम अपने प्रदेश मुख्यालय में करवाने जा रहा है। पर्दे से दूर चल रही हेमा मालिनी बौद्ध महोत्सव में पेश करेंगी शास्त्रीय नृत्य। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हेमा मालिनी काफी समय से फिल्मी दुनिया से पीछे चल रही हैं, मगर अब जल्द ही वो बौद्ध महोत्सव में अपना शास्त्रीय नृत्य का जादू बिखेरने वाली हैं। ज्ञात हो, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की शुरुआत 29 जनवरी से होने वाली है, जिसके तहत 3 दिनों के इस महोत्सव में हर दिन अलग अलग कलाकारों की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। खबरों की माने तो 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में पलक मुच्छल, अल्तमश फरीदी, शादाब फरीदी शिरकत करेंगे। एम्स पटना ने प्रोफेसर पद के लिए निकाली नियुक्तियां। एम्स पटना ने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 84 रिक्त पदों को भरने के लिए उपयुक्त और योग्य उम्मीदवारों से एम्स पटना द्वारा आवेदन की आमंत्रित किया है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को प्रासंगिक अनुशासन में एमडी एमएस पूरा किया होना अनिवार्य होगा, या फिर उसे संबंधित क्षेत्र में अनुभव को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 फरवरी तक नवीनतम एम्स पटना रिक्त 2020 के लिए आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं।
अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे मृदुला सिन्हा की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 27 नवंबर 1942 में जन्मी मृदुला एक भारतीय लेखक और राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य भी संभाला है। मृदुला सिन्हा ने अपने लेखन जीवन की शुरुआत शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट में लिखकर की थी, मगर मृदुला की हमेशा से रुचि सांस्कृतिक मामलों और गांव की परंपराओं में रहती थी, इसलिए मृदुला अक्सर गांव समाज की कहानियों का वर्णन करना ज्यादा पसंद करती थी। इतना ही नहीं, उनके द्वारा लिखी गई एक थिरानी ऐसी भी पर फिल्म भी बनाई गई है। राजगीर के वेनुवन में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वेनुवन बांसों के वन में बसे वेनु विहार को उस समय के राजा बिंबसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए बनवाया था। वेनुवन को विश्व का पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। वेनुवन के ही परिसर में एक नव वेनुवन विहार का निर्माण कराया गया था और यहां एक विशाल बुद्ध प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही वैभव पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच गर्म जल के कई झरने भी हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नेता सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती पर बिहार के सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजकीय समारोह के रूप में बिहार में मनाई जाने वाली जयंती का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राज्यपाल फागू चौहान ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बैंक में जरूरी कामों का जल्द से जल्द कर ले निपटारा। आम नागरिकों के लिए अहम सूचना, अगर आपको भी आने वाले समय में बैंक से संबंधी कोई जरूरी काम है तो आप भी उसका निपटारा जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि सभी सार्वजनिक बैंक 8 मार्च से 15 मार्च तक लगातार बंद रहेंगे। जहां 9 और 10 मार्च को होली की छुट्टी की घोषणा की गई है, वहीं 11 से लेकर 13 मार्च तक बैंक के कर्मचारियों के बंद का आह्वान किया है। इसके अगले दिन 14 मार्च को सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है, वहीं 15 मार्च को रविवार होने के कारण सभी बैंकों के काम 8 से लेकर 15 तक यूं ही उलझे रहेंगे। आज सड़कों पर दिखेगी कुशवाहा की कतार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जलजीवन हरियाली यात्रा के तहत आयोजित की गई श्रृंखला के एवज में रालोसपा अपनी ओर से आज कतार निकालने वाली है, जहां वो राज्य सरकार के आयोजन के खिलाफ आवाज उठाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित किए जाने वाले इस कतार का अहम एजेंडा शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति के मुद्दे को उजागर करना है। कुशवाहा का कहना है कि राज्य सरकार जनता को भटकाने का काम कर रही है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पवन वर्मा को लेकर कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू पार्टी के महासचिव पवन वर्मा को दो टूक नसीहत देते हुए कहा है कि पवन वर्मा को सही गलत की अच्छी परख है, वो स्वतंत्र है, इसलिए जहां जाना चाहते हैं जाएं। दरअसल ये पूरा मामला तब मीडिया में उजागर हुआ जब पवन वर्मा ने राज्य सरकार के नाम पर पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली में भाजपा और जदयू के गठबंधन पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बाबत स्पष्टीकरण की भी मांग की थी। हालांकि नीतीश कुमार के बयान के बाद पवन वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी पहले मेरे पत्र का जवाब दे, उसके बाद मैं उनकी नसीहत पर सोच विचार करूंगा। बेघर हुए लोगों की मदद का आश्वासन दिया तेजस्वी ने। पटना के आशियाना नगर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग सरकार द्वारा अपने घर को तोड़े जाने के बाद राबड़ी आवास पहुंचे, जहां पहुंचे सभी लोग तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी आए सभी लोगों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, राबड़ी आवास पहुंचे लोगों को तेजस्वी यादव ने खुद अपने हाथों से कंबल भी दिया, साथ ही साथ आए सभी लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। पटना की सड़कों पर राजद ने एनडीए सरकार के खिलाफ एक और पोस्टर किया जारी। इस चुनावी साल में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग रंग ढंग देखने को मिलेंगे। कुछ दिनों पहले ही बिहार की राजनीति में पोस्टर का खेल देखने को मिला था, जहां पर राजद और जदयू आमने सामने थे। हालांकि कुछ दिनों से पोस्टरों का यह खेल बंद था, मगर राजद ने एक बार फिर से इस पोस्टर खेल को हवा दी है। इसी क्रम में राजद ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को डबल इंजन की सरकार को झूठ का एक्सप्रेस बताया है। कन्हैया कुमार ने सीएए और एनआरसी को लेकर प्रधानमंत्री पर की टिप्पणी। दिल्ली के शाहीनबाग में करीब एक महीने से चल रहे विरोध की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। इसी को देखते हुए सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने एनआरसी और सीए को लेकर केंद्र सरकार पर बड़े ही शायराना अंदाज में तंज कसा है, जिसके बाद कन्हैया को लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट को रीट्वीट करके उन्हीं के शायराना अंदाज में ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जब से केंद्र सरकार ने सीएए को देश भर में लागू करने का ऐलान किया है, तब से ही कन्हैया लगातार केंद्र सरकार पर तंज कस रहे हैं। बिहार की संस्कृति पर फिल्म बनाना चाहते हैं आयुष्मान खुराना। बैक टू बैक शानदार फिल्में देने के बाद अब आयुष्मान खुराना बिहार की संस्कृति पर फिल्म बनाने का मन बना रहे हैं। उक्त बातें आयुष्मान खुराना ने पटना पहुंचकर एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि बिहार की संस्कृति बहुत समृद्ध है, यहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर कभी मौका मिला तो यहां की धरोहर को फिल्मी पर्दे पर जरूर दर्शाना चाहूंगा। आपको बता दें, आयुष्मान खुराना ने बिहार में हो रहे विकास की भी जमकर सराहना की है।
अपने पुराने फोन को बेचने से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान। अगर आप भी अपने पुराने फोन को बेचने का मन बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अपने पुराने फोन को बेचने से पहले अगर आप iOS यूजर हैं तो सारे डेटास को डिलीट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी कई पर्सनल जानकारियां उनके पास पहुंच सकती है। वहीं अगर आप एंड्रॉइड फोन यूजर है तो अपने स्मार्टफोन से आपको पहले अपने फोन में डेटा बैकअप करना होगा, उसके बाद उसे डिलीट करना होगा। विजय कुमार चौधरी पहुंचे रानी चैटर्जी की फिल्म देखने। नारी सशक्तिकरण पर आधारित भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रानी चैटर्जी की फिल्म की हर कोई सराहना कर रहा है। इसी को ध्यान रखते हुए छोटी ठकुराइन के प्रीमियर शो का हिस्सा बनने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी पहुंचे। इतना ही नहीं, विजय कुमार चौधरी के साथ इस फिल्म को देखने के लिए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक और मंत्री जय कुमार सिंह भी शामिल हुए। फिल्म को देखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुझे इस फिल्म को देखकर अति प्रसन्नता हुई है। न्यूजीलैंड टीम के कोच माइक हेसन ने भारतीय बल्लेबाजों को लेकर दिया बड़ा बयान। भारतीय टीम इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर है और इस टीम को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोच माइक हेसन ने कहा है कि विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए ये दौरा आसान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीम इंडिया की गेंदबाजी काफी मजबूत है और इससे मेजबान न्यूजीलैंड टीम को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के स्विंग होती गेंदों को खेलना आसान नहीं होगा। बालों की कंघी करने के दौरान रखें इन खास बातों का ध्यान। अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं जिनके कंघी करने के दौरान जरूरत से ज्यादा बाल टूटते हैं तो आपके लिए ये खबर खास है, क्योंकि आज हम आपको कंघी करने के सही तरीके के बारे में बताएंगे। सबसे पहले, कंघी करने की शुरुआत कभी भी जड़ से ना करें बल्कि सिरे से शुरू करें। हमेशा बालों को कंघी पार्टीशन करके करें। एक साथ कंघी करने पर बाल ज्यादा उलझते हैं। सीरम का इस्तेमाल जरूर करें। सीरम आपके बाल को मुलायम बना देता है जिससे कंघी करना आसान हो जाता है। राज्यसभा में उपसभापति ने नीतीश कुमार को बताया स्टेट्समैन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए कामों को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर सराहना की। दो दिवसीय आयोजित प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी के 423 मास्टर ट्रेनर के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्टेट्समैन है। अपने 14 साल के शासन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का कायाकल्प ही बदल दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होने वाले मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है और क्यों? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।